हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। आज हम एनपीएस ग्रेड बी के बारे में बात करेंगे। बहुत ज्यादा सेबी की बात होगी, अब वापस से हम एनपीएस ग्रेड बी के बारे में बात कर रहे हैं। इसका एग्जाम आपका 31 जुलाई को है और 21 लाख की सैलरी है इसकी। है हाँ, आज सर आप हमें एनपीएस ग्रेड बी के बारे में क्या पढ़ाओगे? आज हम आपको पेंशन सेक्टर के रिलेटेड बेटे एक टॉपिक है बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम उसके बारे में बात करेंगे। सर ये बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर बाकी सारे वाले टॉपिक का लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे बेटे? वो मेरी ऐप पे मिलेंगे, उस ऐप का डिस्क्रिप्शन लिंक सब कुछ आपको लिंक और सारे वगैरह चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और ये पेंशन सेक्टर के लेक्चर सिर्फ 499 के अवेलेबल है, आप जाओ और एक दिन के अंदर गारंटी के साथ पूरा पेंशन सेक्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब लेक्चर्स डिजाइंड है, आप एक दिन के अंदर पूरे के पूरे पेंशन सेक्टर को कंप्लीट कर सकते हो। इसके साथ साथ हमारे मॉक टेस्ट भी हैं एनपीएस ग्रेड बी के, वो भी आप ले सकते हैं। दोनों का कॉम्बो मिला के आपको 999 999 में मिल जाएगा है। और वो जो मॉक टेस्ट है उसमें 1000+ एमसीक्यू भी है। सर आप पढ़ाओ, आप इधर मतलब सामान मत बेचा करो। हाँ, अब हम पढ़ाने की बात करते हैं। अब हम बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के टॉपिक पे जा रहे हैं। इसको पढ़ने से पहले इस टॉपिक को बनाने के अंदर कि बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या पढ़ाऊं, मैंने बड़ा दिमाग खपाया। बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप पूरी बुक लिख सकते हो, बट हम इसको कंट्रोल करके एग्जाम के लिए जितना रिलेवेंट है उतना पढ़ेंगे, ठीक है? तो बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में बात स्टार्ट करते हैं हम इन्वेस्टमेंट के डेफिनेशन से। इन्वेस्टमेंट पहली बात तो एक आपका एसेट, आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और वो इन्वेस्ट आप इसीलिए कर रहे हो ताकि उससे कुछ रिटर्न कमा सको। रिटर्न जो कि रेगुलर नेचर के हो सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट मिल रहा है एफडी पे, या तो आप कह रहे हो कि मैं कैपिटल एप्रिसिएशन करूंगा इस इन्वेस्टमेंट पे, जैसे मैंने कोई शेयर खरीद लिया, इस शेयर को मैं 10 साल के बाद करोड़ों में बेचूंगा, या रियल एस्टेट में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, आप कैपिटल एप्रिसिएशन से उसको इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अच्छा, रियल एस्टेट में दोनों बातें भी चलती है, आपको रेंटल इनकम भी होती रहती है और आपको क्या कहते हैं आखिर में कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है। चलो हम इन्वेस्टमेंट की इंग्लिश वाली डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, जो कि है An investment is an asset or item accrued with the goal of generating income. हम इनकम जनरेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। In an economic outlook, an investment is the purchase of goods that are not consumed today. जो हमने इन्वेस्टमेंट करी उसको हम आज पैसे को थोड़ा ना कंज्यूम करें, तो हम तो इन्वेस्ट करके रख रहे हैं, ठीक है? But are used in the future to generate wealth. हम वेल्थ बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। In finance, an investment is a financial asset bought with the idea that the asset will provide income further or will later be sold at a higher cost price for a profit. हमने investment का purpose ही है, या तो हमें regular income देता रहा, या तो आगे जाके तू महंगा बिक जा और हमें profit देके चला जा, ठीक है जी? अब हम investment का decision लेने वाले हैं, हम investment करने की बात करने वाले हैं, उसके process के बारे में बात करने वाले हैं। Investment करने जाओगे आपको क्या क्या देखना है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात आती है एक इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। आपकी इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव अलग हो सकता है, मेरी इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव अलग हो सकता है। आप रिस्की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप कहते हो मैं स्टार्टअप में इन्वेस्ट करूंगा, मैं कहता हूँ नहीं नहीं मैं तो एफडी में इन्वेस्ट करूंगा, बॉन्ड में इन्वेस्ट करूंगा, गवर्नमेंट के बॉन्ड लूंगा, मैं इतना रिस्क लेने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो वो पर्सन टू पर्सन ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है, वो डिफर करता है सबका। चलो डिफाइनिंग द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, अभी अपने इंटरव्यू देखा ना, वो भावेश अग्रवाल का जो ओयो का ओनर है उसने क्या बोला, उसने बोला जो भी अपने 20s के अंदर है उनको किसी को भी घर नहीं लेना चाहिए, अपना घर बाय नहीं करना चाहिए, उनको वो पैसा किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो आगे जाके इनकम को जनरेट कर सके। बात समझ आती है? हम पढ़े इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, अंडरलाइन बेटे, हर बंदे का इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है। It should be stated in terms of both risk and return. आपको risk पसंद है, मेरे को नहीं है। In other words, the objective of an investor is to make money, accepting the fact that risk that likely to happen. The typical objective of investor include the current income, capital appreciation and safety of principal. मैं investment करने जाता हूँ, मैं देखता हूँ हाँ यार मेरे को return होने चाहिए, या तो मेरे को capital appreciation regular return होने चाहिए, या तो मेरे को कोई capital appreciation होने चाहिए, और मेरा जो प्रिंसिपल है वो सेफ रहना चाहिए, मतलब ऐसे कोई जगह ना जो मेरे प्रिंसिपल ही खराब हो जाए, है? ये हमारे मतलब इन्वेस्टमेंट को डिसीजन को असर डालेंगे। इसके साथ साथ और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट लिक्विड है। आज अगर कोई मेरे को बोलेगा कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, मैं कहूँगा आज इन्वेस्ट करते तो जब मर्जी निकालना है, मैं इसको हाईली लिक्विड है, मैं कभी बेच के निकल जाऊंगा। बट अगर मेरे को कोई बोलेगा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने को, मैं दो बार सोचूंगा
कि इस रियल एस्टेट को बेचने के अंदर ही मेरे को 1 साल लग जाएगा। मतलब इतना लिक्विड नहीं है, रेडी इन्वेस्टर्स मार्केट में है ही नहीं इसको जो खरीदने के लिए। बात समझ में आती है? हाँ, तो इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव हम पढ़ चुके हैं, हम बात को आगे लेके जाते हैं। अब हम एनालाइज करने वाले सिक्योरिटी को, ये सिर्फ स्टॉक के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे, स्टॉक की बात भी कर रहे हैं जो आपके शेयर्स हैं, और दूसरी भी इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। जब आप एनालाइज करते हो किसी सिक्योरिटी को, तो आप कहते हो जो चीज सस्ती है उसको खरीदो, और जब वो बढ़ जाए उसको बेच दो। है स्टॉक के अंदर भी जब अंडर प्राइस सिक्योरिटी है उसको आप बाय करो। सेम रियल एस्टेट में अगर कोई अंडर प्राइस रियल एस्टेट मिल रहा है आप उस पर इन्वेस्ट करो। ये गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि लो में आप बाय करो और हाई में आप सेल करो। सर हमें पता नहीं चलता कब लो है कब हाई, बेटा यही तो इन्वेस्टमेंट है, किसको पता चलता है ये। एनालाइजिंग सिक्योरिटीज द सेकेंड स्टेप, पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव देख लो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको लिक्विड चाहिए, आपको क्या कहते हैं रिस्की इन्वेस्टमेंट चाहिए, आप अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो, उसके बाद आप सिक्योरिटी को एनालाइज करो। द सेकेंड स्टेप ऑफ द सेकेंड स्टेप इज एनालाइजिंग सिक्योरिटी विच एनेबल्स द इन्वेस्टर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अंडर प्राइज्ड एंड ओवर प्राइज्ड स्टॉक। हम एनालाइज करके किसकी तरफ जा रहे हैं कि ये चीज अंडर प्राइज्ड है या ओवर प्राइज्ड है। रिटर्न्स कैन बी मैक्सिमाइज्ड बाय इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स विच आर करंटली अंडर प्राइज्ड, जो सस्ते में मिल रहे हैं बट हैव पोटेंशियल टू इंक्रीज। इट माइट बी यूजफुल टू रिमेंबर दैट गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट। गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या बोलता है? बाय एट लो एंड सेल एट हाई, देयर आर टू अप्रोचेस। इसके अंदर बोला कि आप एनालिसिस किस तरीके से करोगे एक पर्टिकुलर स्टॉक को कि वो अंडर प्राइज्ड है ओवर प्राइज्ड है। हम स्टॉक के रिस्पेक्ट में बात करें सिर्फ, हाँ आप उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो एक पर्टिकुलर कंपनी का, उसके शेयर की वैल्यू का। कैसे? मैं उसकी बैलेंस शीट को देख सकता हूँ कि उसकी बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है। उसके साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस में इंडस्ट्री के बारे में पढ़ सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एडटेक कंपनीज काफी बूम पे हैं, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो इसके साथ साथ छोटी मोटी कंपनी भी ग्रो कर जाएंगी। बात समझ आती है? तो ये दो बात होगी फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। वो क्या बोलता है? आप फंडामेंटल की बात छोड़ो, वो कहते हैं कि जो ट्रेंड है पीछे का, फ्यूचर में भी वही ट्रेंड फॉलो होगा, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उसके हिसाब से आप स्टॉक में इन्वेस्ट करो। जो बेटे रोबोट ट्रेडिंग होती है, काफी सॉफ्टवेयर के थ्रू हमारी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है, जिसके अंदर वो पिछले ट्रेंड को देखते हैं कि स्टॉक का कितना है, उसके बेसिस पे वो आगे बिड्स लगाते रहते हैं। होता है ना ऐसा, सुना ना आपने? हाँ सर, हमने थोड़ा बहुत सुना है कि आप चार्ट्स के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करो। है हाँ, तो ये उसी की बात कर रहा है। आप सिक्योरिटी को एनालाइज कर रहे हो, आप देख रहे हो चार्ट के बेसिस पे ये स्टॉक अंडर प्राइज्ड है, इन्वेस्टमेंट कर दो। अब देख रहे हो कि हाँ ये ऊपर चला गया, अब इसको बेच दो। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, आपने सिक्योरिटी को एनालाइज किया अलग अलग टाइप की। अब आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो एक पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। पोर्टफोलियो मतलब कि अलग अलग टाइप के आपके पास एसेट्स होने चाहिए। आप एक ही जगह सारा पैसा ना लगा दो, अगर डूब जाएगा तो आपका सारा पैसा निकल जाएगा, आप कंगले हो जाओगे। तो इसलिए कहते हैं कि आप अलग अलग मतलब सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करो। द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्टफोलियो विच कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री सब पार्ट, बट थ्री सब पार्ट में इसके अंदर क्या है, हाउ टू एलोकेट पोर्टफोलियो अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लास। आपको कहाँ कहाँ डिवाइड करना है पैसे को, इक्विटीज में करना है, फिक्स्ड इनकम में करना है, सिक्योरिटीज में करना है, रियल एस्टेट में करना है, ठीक है बेटे? हाँ, ये थ्री सब पार्ट को हम डिलीट कर देंगे, डिलीट कर देंगे बेटे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर कह रहा है आपको क्या कहते हैं, डिसाइड करना है कि आपको पैसा कहाँ एलोकेट करना है। इक्विटीज में आपको रिस्क लेना है, आपको ओनर बनना है, या आपको फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी चाहिए, या आपको रियल एस्टेट में करना है। आप पोर्टफोलियो बनाओ, मैं गोल्ड में भी लगाऊंगा, मैं कॉमोडिटी मार्केट में भी लगाऊंगा, मैं शेयर्स में भी लगाऊंगा, म्यूचुअल फंड में भी लगाऊंगा, कोई अगर एक मार्केट डूबते भी है तो मेरे दूसरे इन्वेस्टमेंट टेक केयर कर लेंगे मेरे फ्यूचर के, मतलब जो मेरे को कैश के नीड्स हैं, मेरे रिटायरमेंट के नीड्स को वो सिक्योर कर लेंगे, ठीक है जी। अब आपने पैसा पोर्टफोलियो बना ली, अब पोर्टफोलियो बनाने के बाद आप उसको इवेल्यूएट करो, परफॉर्मेंस आपकी पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रही है, उसमें कौन कौन सी चीज आपको रिटर्न दे रही है, कौन कौन सी चीज आपको रिटर्न नहीं दे रही, ठीक है। द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ अ पोर्टफोलियो इज डन ऑन द टर्म्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। है हम देख रहे हैं भाई तेरे पे कितना रिस्क और तू कितना रिटर्न दे रहा है। कोई स्टॉक है जो 8% का रिटर्न दे रहा है, और जो फिक्स्ड इनकम वाला हमारा FD है वो 7% का रिटर्न दे रहा है। तो मैं कहूंगा स्टॉक जी आप क्या कर रहे हो, शेयर कंपनी को बोलूंगा कि आप 8% का रिटर्न दे रहे हो तो मैं आप में पैसा क्यों लगाऊं, मैं जा रहा हूँ FD के पास, मैं FD कराऊंगा। और ठीक है, इसको कहते हैं बेटा इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं। अब इवैल्यूएशन बेसिस आर डेवलप्ड, एक CAGR होता है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ये जनरली कहाँ पे लगता है मैं बताता हूँ। देखो स्टॉक के अंदर तो लगता है कि एक पर्टिकुलर ईयर से लेके
एन नंबर्स ऑफ ईयर तक वो कितना स्टॉक ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करा, इसको बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR। जनरली हम इसको ना क्या कहते हैं टर्नओवर में यूज करते हैं कि टर्नओवर कितने CAGR से बढ़ रहा है, बट आप इसको स्टॉक में भी यूज कर सकते हो। चलो जी चलो जी चलो जी, अब हमने परफॉर्मेंस ऑफ पोर्टफोलियो कर दी। एक आगे आगे टर्म आता है कि रिव्यू ऑफ पोर्टफोलियो, आप रेगुलर टर्म्स पर रिव्यू भी करते रहो, ठीक है। हाँ, इट इन्वॉल्व्स पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ अबव स्टेप्स, जो भी आपका पूरा ऊपर आपने स्टेप्स के उसको रिपीट करते रहो। द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इन्वेस्टर मे चेंज, आप 20s में थे तो आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, जैसे ही आपका शादी का कार्ड प्रिंट हुआ वैसे ही आपने अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो चेंज किया और अपने शेयर्स को बेच के फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में चले गए। हैं, बात समझ रहे हो ना बेटा। द इन्वेस्टमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव मे चेंज ओवर टाइम एंड द करंट पोर्टफोलियो मे लॉन्गर बी ऑप्टिमल फॉर हिम। हमें समझ में आता है कि भाई अभी हमारे लिए पोर्टफोलियो हमारे बस की नहीं रहा इतना रिस्क लेना, अब हम सेफ खेलना चाहते हैं। सो द इन्वेस्टर मे फॉर्म अ पोर्टफोलियो, अ न्यू पोर्टफोलियो, अब हम नई पोर्टफोलियो बनाएंगे बाय सेलिंग सर्टेन सिक्योरिटीज एंड परचेजिंग अदर दैट आर नॉट हेल्ड इन द करंट पोर्टफोलियो। बात समझ में आती है। अब सर हमें टाइप्स, एसेट क्लास के टाइप बताओ। बहुत इजी है बट इसको आप ढंग से सुन लो, ठीक है। इक्विटी शेयर, सर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं इक्विटी शेयर क्या होता है, डेट क्या होता है, रियल एस्टेट क्या होता है, कॉमोडिटीज क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है, कॉमोडिटीज क्या होता है। हाँ, हम इसको फटाफट एक बार रीड कर रहे हैं, ठीक है। हम थोड़ी सी नई बात मतलब इसको लिंक करने का ट्राई करेंगे, कोई नई नई बात करने की ट्राई करेंगे। हमने डेट में इन्वेस्टमेंट करी, हमने अगर किसी को डेट में इन्वेस्ट करी, फिक्स्ड कोई पैसा हमने दिया, वो हमें फिक्स्ड रिटर्न दे रहा है, तो हम क्या है, हम लेंड कर रहे हैं पैसे को। हम इन्वेस्टर्स कौन है, लेंडर। मैंने तेरे को लोन दिया है, मैंने बैंक के अंदर अगर FD कराई तो मैं एक तरह का बैंक को लोन दे रहा हूँ बेटा। हैं, समझ के देखो, आप बैंक को ही लोन दे रहे हो। आपने डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट किया, आपने बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट किया, आप तो एक तरह का किसी को लोन दे रहे हो ना, उस लोन पे आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। हैं, तो इन्वेस्टर्स आर लेंडर। फिक्स टेन्योर होता है, आप 5 साल, 7 साल, 2 साल, 6 महीने कभी लगा सकते हो। लो फ्लक्चुएशन, डेट के अंदर जनरली कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता, बट फ्लक्चुएशन हो सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट कहीं से लिंक्ड है, जैसे लाइबोर, माइबोर, ठीक है। डेट म्यूचुअल फंड इफेक्टेड बाय इन्वेस्टर्स रेट रेट फ्लक्चुएशन ऑफर्स टैक्स एफिशिएंट सॉल्वेंसी, हाई लिक्विडिटी इन मोस्ट इन्वेस्टमेंट। जो डेट के मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर वो ट्रेडेबल है सेकेंडरी मार्केट पे, ऐसे बेच के निकल जाओ बेटा, ऐसे बेच के निकल जाओ। चलो जी चलो जी चलो जी, हम फीचर्स ऑफ इक्विटी पढ़े। इक्विटी मतलब बेटे ओनर, शेयर होल्डर्स आर ओनर, आप मालिक हो तो आपको थोड़ा सा रिस्क होगा ना। हाँ, ये असेट बेटे वॉलेटाइल होते हैं। आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, मार्केट अच्छा मतलब परफॉर्म कर रही है, तो आपके असेट की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, या तो आपके शेयर्स की वैल्यू कम हो रही है अगर मार्केट गंदा परफॉर्म कर रही है, फिर आपकी कंपनी गंदा परफॉर्म कर रही है। डेट के अंदर कंपनी गंदा परफॉर्म करे चाहे खत्म हो जाए, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा, तो ठीक है। यहाँ पर जो वॉलेटिलिटी है डेट के केस के अंदर, जीरो, नील, बहुत कम। और इक्विटी के अंदर वॉलेटिलिटी बेटा इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है, कभी इतना स्टॉक प्राइस बढ़ जाएगा, कभी एकदम से 10-20% गिर जाएगा। पोटेंशियल टू, अब इक्विटी में बंदा इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा, वो कहेगा पोटेंशियल टू डिलीवर हाई लॉन्ग टर्म रिटर्न्स, तभी बंदा इन्वेस्ट करता है ना। एक दिन मैं इसी स्टॉक से अपने बेटियों की शादी करूंगा। हाँ, डिविडेंड्स एंड लॉन्ग टर्म रिटर्न फ्रॉम इक्विटी आर करंटली टैक्स फ्री। ऐसी डिविडेंड्स टैक्स फ्री काइंड ऑफ आप कह सकते हो, इन्वेस्टर के हैंड में टैक्स फ्री है, बट कंपनी को बेटे कुछ टैक्स देना पड़ता है। और ये वाली बात एंटायरली ट्रू नहीं है, 1 लाख के ऊपर जो आपकी LTCG है वो टैक्सेबल है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, अब हम रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं। रियल एस्टेट के अंदर दो टर्म है बेटे, एक रीट होता है, एक इन्वेस्टमेंट, छोड़ दो, ठीक है। इसके अंदर बात है प्रॉपर्टी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट इसीलिए ही नहीं कर पाते क्योंकि अंदर उसके अंदर इनिशियल अमाउंट जो इन्वेस्ट करना है वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ज्यादा के ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, और इसीलिए लिक्विड नहीं होती इतनी। लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है मतलब प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो मेरी तो प्रॉपर्टी वैसे ही कम लिक्विड होगी ना, कोई खरीदने वाला खरीदार ही नहीं है, तो मैं कैसे इसको बेच के निकलूं। हाई जेस्टेशन पीरियड होता है बेटा, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल, और बट आपकी अगर प्रॉपर्टी चमक जाए तो आपको रेंटल इनकम भी होती है और बम्पर क्या कहते हैं आपको, क्या कहते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है। लो ऑन लिक्विडिटी, कोई लिक्विडिटी नहीं होती बेटे, बहुत कम लिक्विडिटी होती है इसमें बेटे। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है, रीट होता है, रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड में भी आ गया है। इसके अंदर क्या होता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को मिटिगेट करने के लिए, मैं आपको रीट के बारे में थोड़ा सा बताऊं। एक पर्टिकुलर पॉइंट, हाई इन्वेस्टमेंट हम कर ही नहीं सकते। हम कनॉट प्लेस दिल्ली के अंदर जगह है, वहां पर जाके हम प्रॉपर्टी लेने का नहीं सोच सकते, तो हम क्या करें, हम क्या करते हैं, हम बड़े सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स मिलकर
एक प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए सारे मिल के पैसा देते थे, जितना हमारे बस की है। हाँ, हमने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया, 5 लाख 10 लाख जितना हमारे बस की है। बेटे प्रॉपर्टी वहां पे 70 करोड़ 80 करोड़ की मिलती है ना, हाँ, तो हमारे जितनी बस की हमने उनका दे दिया। अब वो रीट सबके पैसे मिला के एक प्रॉपर्टी को लेगी और उस प्रॉपर्टी की जो रेंटल इनकम आएंगे कुछ एक्सपेंसेस को काट के हमें दे देंगे। मतलब सीपी में मैं प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, बट मैं अभी भी ऑप्शन है मेरे पास रेंटल इनकम कमाने का, इसीलिए रीट आया गया बेटा। ठीक है, रीट मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो हमारी होती है, ठीक है, जो हमारे क्या कहते हैं स्टॉक मार्केट के थ्रू आता है। चलो सर इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, डीप ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब कॉमोडिटी के बारे में बात करते हैं। कॉमोडिटीज क्या होता है, जैसे हम गोल्ड सिल्वर मेटल, बेटे कॉमोडिटी एक्सचेंज पता है, इसमें सारे के सारे हमारे आलू प्याज ये बिकते हैं, इनको हम कॉमोडिटी कहते हैं। अब आलू प्याज का रेट हाईली वॉलेटाइल, बेटे कल आपको 35 रुपीज केजी के आलू मिल रहे थे, आज 15 रुपए केजी आलू मिल रहे हैं। वॉलेटिलिटी है ना, अगर आपके पास कितने क्विंटल स्टॉक पड़ा हुआ तो आपका तो दिल वैसे ही बैठ जाएगा। हाँ, ये बेटे बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। आप देखो सबसे ज्यादा इसकी बात ये है, वेरी वॉलेटाइल, वेरी वेरी वॉलेटाइल। कॉमोडिटी मार्केट में जो ट्रेड करते हैं वो समझ रहे होंगे मेरी बात, जो नहीं करते उसको बेटे ट्रेड मत करना। ठीक है, इंक्लूड्स गोल्ड सिल्वर एंड अदर मेटल क्रूड ऑयल, डिमांड सप्लाई इक्वेशन इफेक्ट्स प्राइस। कॉमोडिटी के अंदर आलू के रेट इसलिए हाई है क्योंकि डिमांड ज्यादा आ रही है, प्याज के रेट इसलिए हाई है क्योंकि शादियों का सीजन है वहां पर चाहिए, पनीर महंगा इसीलिए हो रहा है। प्राइसेस हैव हाई ग्लोबल इन्फ्लेशन परफॉर्मेंस इन लाइन विद इन्फ्लेशन। चलो जी चलो जी चलो जी, हमारे कॉमोडिटी वाली बात भी होगी। अब आई बात कैश इक्विवेलेंट की। कैश इक्विवेलेंट से हमें समझ में आ रहा है ये कैश, ये इन्वेस्टमेंट कैश ही है। हैं, ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है, फिक्स डिपॉजिट, ये आपका कैश, फिक्स तोड़ एफडी तोड़ लाओ कैश बन गई। तो इसको हम बोलेंगे, इसका सबसे बड़ा फीचर है क्या, हाईली लिक्विड। जितना ज्यादा बेटे लिक्विड होगा उतने कम रिटर्न जनरली होते हैं, जरूरी बात नहीं है, जनरली बेटे जनरली कह रहा हूँ, क्योंकि जो आपके स्टॉक्स हैं वो हाईली क्या कहते हैं लिक्विड है, बट उसमें रिटर्न्स भी ज्यादा हो सकते हैं। वेरी लो रिस्क ऑफ कैपिटल इरोजन, कैश इक्विवेलेंट। एफडी के अंदर कौन आपका कैपिटल इरोजन होगा, एफडी का अमाउंट तो उतने का उतना रहेगा। बेटे पीएमसी बैंक की बात छोड़ देते हैं, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स आर मोर टैक्स एफिशिएंट देन ट्रेडिशनल सेविंग। कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है बेटे, लिक्विड फंड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, हाँ, और सेविंग बैंक अकाउंट। ठीक है जी, हमें इतनी बात समझ में आती है। हमें टाइप्स ऑफ एसेट्स थोड़ा थोड़ा समझ में आते हैं, डेट क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, इनके जो फीचर्स हैं इनमें से क्वेश्चन आने के हाई चांसेस हैं कि ये डेट का कौन सा फीचर नहीं है, इक्विटी का कौन सा फीचर है, ऐसे वाले क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, हाँ, अब हम बढ़ते हैं रिस्क एंड रिटर्न। जब भी इन्वेस्टमेंट की बात की जाएगी हमेशा रिस्क और रिटर्न के बारे में बात की जाएगी कि कितना एक असेट रिस्की है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना रिटर्न हमें मिल रहा है। तो हम रिस्क को थोड़ा सा और खोले। हाँ, रिस्क, एनी रैशनल इन्वेस्टर बिफोर इन्वेस्टिंग His or her investable wealth in stock. पैसा लगाने से पहले हम analyze करेंगे कि इसका risk कितना है associated with particular stock. The actual return he receives from a stock may vary from his expected return. Actual return हमारे expectation से अलग ही होता है and is expected to be मतलब expected in the expressed in the variability of return. मतलब हाँ, मैं इतना return expect करूँ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। Risk क्या होता है? The dictionary meaning of risk is possibility of loss or injury. इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव में रिस्क हमारा क्या है, हमें लॉस हो सकता है, ठीक है, हमारे कैपिटल डेप्रिशिएट कर सकता है, या तो हमारी फिक्स्ड इनकम वाला हमें पेमेंट ही नहीं कर रहा। रिस्क द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द एक्सपेक्टेड रिटर्न, हमें लॉस हो गया या हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हम एक्सपेक्ट करते थे वो हमें नहीं मिल रहा। द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड एक्चुअल रिटर्न इज कॉल्ड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे और हमें एक्चुअल में कितना क्या कहते हैं रिटर्न मिला, उसी को हम रिस्क इन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट सिचुएशन में भी हाई रिस्क, मीडियम और लो रिस्क। सर इसके एग्जांपल दो, लो रिस्क वाला हमारा कौन सा इन्वेस्टमेंट होता है बेटे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय कर लो, सबसे कम रिस्क होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर है। अब इससे थोड़ा सा ऊपर वाला रिस्क, बाइंग शेयर ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। आप रिलायंस के शेयर बाय कर लो, इन्फोसिस के शेयर बाय कर लो, आप शेयर बाय कर रहे हो बट इतना मीडियम रिस्क है क्योंकि बहुत पुरानी कंपनीज है और चलती आ रही है। इनके स्टॉक में मेजर टू मेजर अगर डिफरेंसेस आ भी गए तो पूरे साल के अंदर बेटे 10% ऊपर नीचे हो सकते हैं जनरली, ठीक है। और अगर आपको एकदम हाई रिस्क वाला चाहिए तो आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट करो, बाइंग शेयर्स ऑफ अ न्यू कंपनी। क्या पता है कंपनी चले या 2 महीने बाद कहते हमारे बस की नहीं है, ठीक है। हाँ, अब टाइप ऑफ रिस्क,
बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे हिसाब से टाइप ऑफ रिस्क ही है। क्या सिस्टमैटिक रिस्क होता है और क्या अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है, आप ये बहुत बार पढ़ चुके होंगे, बट हम उसको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल्स देंगे। सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, वो सब बंदों के लिए बराबर है, ठीक है। जैसे कि कोरोना वायरस अगर आ गया तो वो हर एक इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रहा है, तो ये सिस्टमैटिक रिस्क है, आप इसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते हैं। सिस्टमैटिक रिस्क रेफर्स टू रिस्क ऑफ इनहेरेंट टू द एंटायर मार्केट, ये पूरी मार्केट पे अप्लाई करता है और मार्केट सेगमेंट। सिस्टमैटिक रिस्क आल्सो नोन एज अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क, इस रिस्क को हम हटा नहीं सकते, ये रिस्क इनहेरेंट है। और वॉलेटिलिटी मार्केट के रिस्क है, मार्केट ऊपर जा रही नीचे जा रही, इफेक्ट द ओवरऑल मार्केट, हमें नहीं पूरी मार्केट को इफेक्ट करेगा, नॉट जस्ट अ पर्टिकुलर स्टॉक और इंडस्ट्री, ठीक है जी। हमें सिस्टमैटिक रिस्क समझ में आता है कि हमारे बस का नहीं है सिस्टमैटिक रिस्क। और ऑन द अदर हैंड एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क, वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या कंपनी के ऊपर मतलब सिर्फ इफेक्ट करता है। द अनसिस्टमैटिक रिस्क इज द रिस्क दैट इज यूनिक टू अ स्पेसिफिक कंपनी और इंडस्ट्री, एक कंपनी के ऊपर ही अप्लाई कर रहा है ये। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन सिस्टमैटिक रिस्क, स्पेसिफिक रिस्क और डाइवर्सिफाइबल रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, अगर यह एक पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर रिस्की है तो आप उसको डाइवर्सिफाई कर दो, जो भी पर्टिकुलर पॉइंट है आप उसको डाइवर्सिफाई कर दो कि ये चीज रिस्की है, हम इसको हम थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करते हैं। सर आप हमें एग्जांपल दो, फॉर एग्जांपल टेस्ला, इसके अंदर पूरी भागदौड़ कंपनी की एलन मस्क देख रहा है, तो ये आप समझो कि अगर एलन मस्क गया तो वो टेस्ला कंपनी भी गई, उसका स्पेसएक्स के प्रोग्राम भी गए, तो उसको हम डाइवर्सिफाई कैसे करें बेटा। एक पूरा बोर्ड होगी, पूरा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वैसे तो बोर्ड ही होता होगा, काफी सारे लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, सिर्फ अकेले बंदे के ऊपर सब कुछ नहीं आ जाता कि यही बंदा तभी हमारे बिजनेस चल रहा है और ये बंदा नहीं है तो बिजनेस हमारा ठप। नो डाउट जिस दिन एलन मस्क कभी ना कभी अगर छोड़ता है तो इसके स्टॉक पे इफेक्ट पड़ेगा, बट वो सिर्फ इसी के स्टॉक पे इफेक्ट पड़ेगा, पूरी और इंडस्ट्री पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पूरी मार्केट पे थोड़ा ना इफेक्ट। कि हॉस्पिटैलिटी वाले क्या कहते हैं, आज एलन मस्क ने रिटायरमेंट के लिए अनाउंस कर दिया, फिर कुछ उनको मतलब फ्लाइट उड़ी और वो नीचे नहीं आ पाए, तो फिर हॉस्पिटैलिटी वाले स्टॉक्स को थोड़ा ना फर्क पड़ेगा, सिर्फ उसकी कंपनी के स्टॉक पे फर्क पड़ेगा ना। तो इसको हम सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं, ठीक है जी। हाँ, अनसिस्टमैटिक रिस्क इज द रिस्क दैट इज यूनिक, यूनिक है बेटे एक स्पेसिफिक कंपनी और इंडस्ट्री के लिए। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन सिस्टमैटिक रिस्क, क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रिस्क, डाइवर्सिफाइबल रिस्क और रेजिडुअल रिस्क। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन बी रिड्यूस, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, बट सिस्टमैटिक रिस्क को हम रिड्यूस नहीं कर सकते। कोई पॉलिटिक्स के रिलेटेड, एनवायरमेंट के रिलेटेड कोई रिस्क है, उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं बेटा, नहीं कर सकते ना। हाँ सर, आप हमें सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क के बारे में थोड़े से एग्जांपल दो, थोड़ा सा क्लियर करो। हम सिस्टमैटिक रिस्क के बारे में बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी वो आपको पता है, नहीं पता। आरबीआई क्या करेगी आपको पता है, नहीं पता। तो ये पूरी इंडस्ट्री को मतलब इम्पैक्ट करेगा, एक्सपेंशनरी उनको पॉलिसी करना है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, मनी का फ्लो ज़्यादा करना है, कम करना है। मनी का फ्लो ज़्यादा होगा तो आपको बिजनेस मिलेगा, कम होगा तो आपको बिजनेस कम मिलेगा, वो पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट पड़ रहा है, सिर्फ आपको इफेक्ट नहीं कर रहा। इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क इज द वेरिएशन ऑफ सिंगल पीरियड रेट ऑफ रिटर्न कॉज बाय फ्लक्चुएशन इन द मार्केट इंटरेस्ट रेट। हो गया, रेट बढ़ा दिया हमारे लोन की, मतलब क्या कहते हैं, किस्तें बढ़ गई तो बढ़ गई, हम क्या कर सकते हैं, सबके लिए बढ़ी है ना। मोस्ट कॉमनली द इंटरेस्ट रेट रिस्क इफेक्ट्स द डेट सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड एंड डिबेंचर, ठीक है जी। हमें समझ में आता है, सबके साथ ये इफेक्ट है, हमारे साथ नहीं है। मार्केट रिस्क, मार्केट मतलब शेयर मार्केट के अंदर बुल और बेयर की पावर चल रही है बेटे, वो फोर्स डिसाइड करे मार्केट को गिराना है या उठाना है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। इट्स डिफाइंड एज द पोर्शन ऑफ टोटल वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न कॉज्ड बाय अल्टरनेटिंग फोर्स ऑफ बुल एंड बेयर मार्केट। मार्केट जनरली गंदा ही परफॉर्म करे तो सबके साथ गंदा परफॉर्म कर रही है, पूरी मार्केट ही रोज के रोज गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, तो हर स्टॉक गिर रहा है, उसमें कोई अलग से निखर के नहीं आ सकता। दिस इज अ टाइप ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क दैट इफेक्ट्स शेयर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर मूव अप एंड डाउन कंसिस्टेंटली फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। जनरली देखा मार्केट जब गिरती है तो गिरती रहती, गिरती रहती, गिरती रहती है, सारे स्टॉक्स गिरते रहते, गिरते रहते। फंडामेंटली वो स्ट्रांग होते हैं बट फिर भी मार्केट गिरी जा रही, गिरी है, कोई भी रीजन हो सकता है पॉलिटिक्स के हिसाब से। जब भी क्या कहते हैं, लास्ट टाइम मोदी गवर्नमेंट पावर में आ रही थी तो कितने स्टॉक के प्राइस बढ़े जा रहे थे, बढ़े जा रहे, बढ़े जा रहे थे, जो स्टॉक में कोई लेना देना ही नहीं है बट उसके प्राइस ही बढ़े जा रहे थे, बढ़े जा रहे थे, बढ़े जा रहे थे। चलो
आगे थर्ड पार्ट पॉइंट आया परचेजिंग पावर रिस्क। मार्केट में इन्फ्लेशन के रिस्पेक्ट में परचेजिंग पावर लोगों की कम हो रही है बढ़ रही है, उसका रिस्क ना हम कभी कोई कंपनी रिस्पेक्ट में कोई वो कवर नहीं कर सकते। अनदर टाइप ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। आपको समझ में आ रहा ना ये सब सिस्टमैटिक क्यों है? क्योंकि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल है बेटे। अनदर टाइप ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क इज द परचेजिंग पावर रिस्क। इट रेफर्स टू वेरिएशन इन द इन्वेस्टर रिटर्न कॉज्ड बाय इन्वेस्टर की परचेजिंग पावर कम हो रही है या बढ़ रही है, वो इन्फ्लेशन पर डिपेंड करता है। उसके अंदर एक पर्टिकुलर कंपनी कुछ नहीं कर सकती, उसके रिस्क को वो कम नहीं कर सकती कि लोगों की परचेजिंग पावर थोड़ा बढ़ा सकेगी कंपनी जाके। अब हम अनसिस्टमैटिक रिस्क की बात करें जिसके अंदर कंपनी डाइवर्सिफाई कर सकती है, उसको कम कर सकती है। पहला एग्जाम्पल है बिजनेस रिस्क। बिजनेस के ऑपरेशन, आपके ऑपरेशन आप अच्छे से नहीं कर पा रहे, मतलब आप मतलब एफिशिएंट नहीं हो काम करने के अंदर, उसके अंदर तो कंपनी की गलती है। इसको मतलब बेटर कर सकते हैं। हाँ, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इशू मे कॉज बिजनेस रिस्क। इंटरनल रिस्क आर टाइड टू ऑपरेशनल एफिशिएंसी, सच एज मैनेजमेंट फेलिंग टू टेक आउट अ पेटेंट टू प्रोटेक्ट अ न्यू प्रोडक्ट। बेटे कोई एग्जाम्पल लिया, उन्होंने कोई आपको पेटेंट लेना था, आप वो पेटेंट ले ही नहीं पाए, वो किसी और ने चोरी कर लिया, तो आपकी ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी है ना। आप बेटे इनएफिशिएंट हो, आप बिजनेस का रिस्क है आपके ऊपर, आपका बिजनेस कोई और ले गया, इससे इंडस्ट्री का कोई लेना देना नहीं। आपका पेटेंट अगर चोरी हो गया, आपका सामान कोई चोरी कर रहा है, तो वो आपकी सरदर्दी है, पूरी इंडस्ट्री को क्या लेना देना। ठीक है, ये अनसिस्टमैटिक रिस्क है, इसको आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। आप केस कर दो, आप पेटेंट अच्छा सा ले लो, आप टेक्नोलॉजी ऐसी लोग की कोई पायरेसी कर ना पाए, ठीक है, बट नो पायरेसी, नो लेक्चर्स की पायरेसी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आता है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? डेट इक्विटी मिक्स एक तरह का, कि आपकी कंपनी ने मतलब अपने क्या कहते हैं जो इन्वेस्टमेंट है, जो बिजनेस है, उसको फाइनेंस कैसे कर रखा है। आपने ज्यादा इंटरेस्ट वाली सिक्योरिटीज को ले रखा है या आपने शेयर्स को ले रखा है, इन दोनों का मिक्स बनाना, मतलब डेट इक्विटी का मिक्स बनाना ही एक चैलेंज होता है। वो डेट इक्विटी का मिक्स इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, ठीक है। हाँ, फाइनेंशियल रिस्क रिलेट टू कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी, कि कंपनी के अंदर कितने शेयर्स हैं, कितने ओनर्स हैं और कितने इंटरेस्ट फिक्स्ड इंटरेस्ट बेरिंग आपके पास क्या कहते हैं लाइबिलिटीज है। अ कंपनी नीड्स टू हैव अ ऑप्टिमम बेटे ऑप्टिमल लेवल ऑफ डेट एंड इक्विटी टू कंटिन्यू ग्रो एंड मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ये डेट इक्विटी का मिक्स बनाना ही मैनेजर्स का काम है, जो मतलब हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट है, कि डेट इक्विटी का मिक्स ऑप्टिमल होना चाहिए जिससे आप ग्रो कर सको। अगर एक वीक कैपिटल स्ट्रक्चर है, मतलब आपने सारा का सारा मतलब वीक कैपिटल स्ट्रक्चर सिर्फ यही नहीं होगा कि आपके पास फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग जो आप लाइबिलिटीज है वो अगर ज्यादा है तो आपका वीक है, वो डिपेंड करता है इंडस्ट्री, हम उसके अंदर नहीं जा रहे। अगर कोई वीक, हम जनरली बात कर रहे हैं, कोई कैपिटल स्ट्रक्चर आपका ठीक नहीं बना रखा आपने, आपका जो फाइनेंसिंग है उसके तरीके ठीक नहीं है, तो बेटे वो कंपनी को फेल कर सकता है। ये अनसिस्टमैटिक रिस्क है। तो आप उसको ठीक कैसे कर सकते हो? आप कैपिटल जो मिक्स है वो ऐसा बना सकते हो कि वो कंपनी की ग्रोथ में पार्ट करे। बात समझ आती? फॉर एग्जाम्पल सर, इसका एग्जाम्पल तो हमें समझ नहीं, आपने क्या क्या बोला। अगर आप इनिशियल स्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में हो, आप बिजनेस को भी स्टार्ट कर रहे हो, हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, हमें पता नहीं हमें प्रॉफिट होगा नहीं होगा, हमारे कैश फ्लोज होंगे नहीं होंगे, तो हम कहेंगे हम अभी जो कैपिटल लेंगे, वो जो हमारा पैसा होगा वो हम शेयर होल्डर से लेंगे, ताकि उनको मतलब उनको पता हो कि अभी अभी बिजनेस स्टार्ट हुआ है, प्रॉफिट्स होना बाद में जाके होंगे। अगर हम बिजनेस के स्टार्टिंग में ही फिक्स्ड लोन पे पैसा उठा लें, हमारे कैश जनरेट ही नहीं हो रहा, हमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, बट फिर भी हमें इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ रही है, तो हमारी कंपनी स्टार्ट होने से पहले ही बंद हो सकती है, मतलब पहले साल के ऑपरेशन में ही बंद हो सकती है। हमारे जो बैंकर्स हैं या फिर जो हमारे डिबेंचर्स हैं या जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, वो हमारे पे केस डाल देंगे, हमें अपना पैसा चाहिए, अब अपनी कंपनी को लिक्विडेट करो, खत्म करो अपनी कंपनी को, बंद को हमें पैसा दो, आपके बस की नहीं बिजनेस करना। तो ये बेटे फाइनेंशियल रिस्क हो सकते हैं, होते हैं। ये जनरली कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर बात हो रही है। बिजनेस रिस्क आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी के ऊपर बात हो रही है। ये अनसिस्टमैटिक रिस्क है, इसको आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। सिस्टमैटिक रिस्क को आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, वो सबके लिए बराबर है, ठीक है। हाँ, अब बात आती है रिटर्न की। हमने रिस्क की बात कर ली, बट उससे रिटर्न कितना मिला? रिटर्न के अंदर बहुत बेटे इजी, जो आपने पैसा कमाया वही रिटर्न है, उसके अंदर एक ही फॉर्मूला आपको पढ़ना है, ठीक है। बेटे वैसे तो बहुत सारे रिटर्न के फॉर्मूला, बॉन्ड की भी निकाल लो, इसके भी निकाल लो, बट जो आपको क्वेश्चन आ सकता है बेटे, इससे आ सकता है, आपका रिटर्न जो है, जो आपने एनुअल इनकम कमाया, मतलब रेकरिंग इनकम या फिर जो आपने कुछ भी आपको बीच में पैसा मिला, एंड प्राइस क्या था उस सिक्योरिटी, उस असेट का, बिगिनिंग में आपने कितना दिया, मतलब बेटे इन दोनों का डिफरेंस। आपने कुछ कमाया होगा ना, आपने सस्ते में खरीदा, महंगे में बेचा,
या फिर महंगे में खरीदा सस्ते में बेचा, प्लस कुछ आपने और इनकम जनरेट करी, इस सारे को डिवाइड कर दो कि जो आपने बिगिनिंग में इन्वेस्टमेंट करी थी, वही आपका रिटर्न। सर एक क्वेश्चन छोटा सा करा दो, एक क्वेश्चन आएगा नहीं सर, बहुत टुच्चा क्वेश्चन है बट आप समझ लो। अजय ब्रॉट अ शेयर फ्रॉम अ कंपनी फॉर, हमने 140 की इन्वेस्टमेंट करके एक शेयर खरीद लिया है, 140 की हमने उसको खरीदा 1/6/2012 को, द कंपनी पेड डिविडेंड 8 रुपए, हमें 8 रुपीज का डिविडेंड कैश मिल गया, वाह। द अजय, सो अजय ने बेटे फिर लेटर ने शेयर बेच दिया 160 रुपए का, मतलब अजय ने कितने रुपए कमाए, 140 के शेयर को 160 में बेचा तो 20 रुपीज तो अजय ने इसमें कमा लिए और 8 रुपीज का डिविडेंड मिला है। तो बेटे देखो ये 8 रुपीज और यहाँ पे 20 रुपीज, तो अजय ने 28 रुपीज कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट पे कमाए, उसने इन्वेस्टमेंट करी थी इनिशियल 140 पे उसने 28 रुपीज कमाए, मतलब 20% का रिटर्न, 20% बेटे इंटू 100 करके बेटे करते हैं ना, परसेंटेज निकालते हैं, तो 20% का रिटर्न। सेम बेटे अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट में भी हो सकता है, ये 20% का जो रिटर्न है पर एनम का है। अगर ऐसी कोई रियल एस्टेट की बात करता तो उसमें आपने रेंटल इनकम कितने कमाए, रेंटल इनकम कमाने के बाद एंड में आपने उस प्रॉपर्टी को कितने का बेचा, उस प्रॉपर्टी को आपने कितने खरीदा, डिवाइड बाय कि कितने आपका कितने का खरीदा, उसको पूरे आप सालों में डिवाइड करते कि मेरा पूरे साल पूरे 10 साल का रिटर्न कितना रहा, तो ऑन एन एवरेज मेरे एक पर्टिकुलर ईयर का रिटर्न कितना रहा। समझ में आते बात? हाँ, तो ठीक है जी, आज हम इतने में बात खत्म करें, इससे ज्यादा बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में इससे ज्यादा अपन को पढ़ाने का समझ नहीं आ रहा कि कितना पढ़ा है, कितना ज्यादा इसको डीप लेके जाए, हमें लगता है कि इसके अंदर से क्वेश्चन आ सकता है। फिर भी अगर आपको कुछ और पढ़ना हो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, आप प्लीज कॉमेंट करो, मेरी ऐप पे आप मुझे मैसेज करो। आपको कोई भी कोर्स चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए हो एनपीएस के पेपर के रिस्पेक्ट में, आप बेझिझक मुझे मैसेज कर दो मेरी ऐप पे आके, उनके डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी, सीए रमल उत्तरा क्लासेस वो हेल्प करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो आज के लिए हम आपसे अलविदा लें, बाय बाय।